ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के मिशन लोटस कामयाब हो जाने के बाद ताजपोशी एकनाथ शिंदे की हो गई और एक बड़ा धोखा देवेंद्र फडणवीस के साथ हो गया। देवेंद्र फडणवीस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये जो फैसला लिया उस पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। तमाम विपक्षी नेता भाजपा के इस फैसले को फडणवीस के साथ नाइंसाफी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्या कुछ कहना है इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं कि आखिर सिंधिया इस पूरे फैसले को किस नजर से देखते हैं। सुनिए जरा। प्रगति और विकास की सरकार बनी है, एक विचारधारा की सरकार बनी है, और वो विचारधारा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र पिछले दो वर्षों में, ढाई वर्षों में पिछड़ चुकी थी, वापस राष्ट्र पटल पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर महाराष्ट्र को ये दोनों की जोड़ी, एकनाथ शिंदे साहब की और देवेंद्र फडणवीस जी की जोड़ी स्थापित करेगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। महाराष्ट्र की क्षमताएं अपार सदैव रही हैं, और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस राज्य के साथ बहुत पुराने संबंध सदैव रहे हैं, और जो महाराष्ट्र की विशेषता है, महाराष्ट्र की संभावना है, जो पिछले ढाई वर्षों से एक गति अवरोधक के रूप में सरकार वहां स्थापित थी, जननायक सरकार नहीं लेकिन एक भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार, आज एकनाथ जी ने जो कदम लिया है, मैं उनको दिल के गहराइयों से साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। और दोनों, एकनाथ शिंदे की साहब की जोड़ी और देवेंद्र फडणवीस जी की जोड़ी, दोबारा महाराष्ट्र को विकास और प्रगति के रास्ते पर जरूर लाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।